आतंकवादी उसामा बिन लादिन के साथ कर रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें एक कड़ा जवाब मिला, उनके मुंह पे तमाचा बजा। उसके बाद वो शांत होकर उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान के बारे में बोलने से उनकी हैसियत क्या है और क्या नहीं है। सेकेंडली मैं बोलूंगी, जो शख्स कभी पाकिस्तान में पला बड़ा नहीं, उसको पता नहीं कि पाकिस्तान है क्या, माँ पॉलिटिशियन है बाप पॉलिटिशियन है, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उसे बना दे। जी गलत बात, आपको किसने कहा पाकिस्तान हारा था? आप हमारी हिस्ट्री खोल के देखें, हर जंग में पाकिस्तान जीता है। ये तो तो वो बात हिस्ट्री जब आप लोग ही लिखोगे तो वो डजंट मैटर ना, वो हिस्ट्री खुद ही लिखी जाती है और खुद ही पढ़ी जाती है। लोगों को ही नहीं संभाल रहा वो, ये इंडिया के कश्मीर की बात कर रहा है, उनकी हैसियत भी है हमारे कश्मीर को वहां रखने की? मतलब क्या बात करते हैं यार ये पाकिस्तान के उस्माना लोग। अभी अभी हमने बिलावल भुट्टो जी भेजे थे इंडिया में खुद को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। What do you think, क्या आने वाली मीटिंग्स में भी आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, हमें दोबारा बिलावल भुट्टो जी को भेजना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेटर है वो? हमारा तो उस्माना खर्चा ही इतना है कि तू नहीं उठा पाएगा। आज पाकिस्तान के हालात बुरे हैं तो सब लोग कुछ भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान के दिन क्या, वो क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की क्या कर गया, हर बंदा बड़े पर फैलाए फिरता है। लेकिन मुझे बताएं, इन फ्यूचर कहीं पे आपको पाकिस्तान का अगर फ्यूचर ब्राइट दिख जाए तो क्या तब भी यही अल्फाज होंगे हिंदुस्तान वालों के? हाँ, हमारे यही अल्फाज होंगे कि अगर G20 मीटिंग कश्मीर में हुई तो हम हिंदुस्तान को कड़ा जवाब देंगे। क्यों भाई, आपने हिंदुस्तान का ठेका लेके रखा है? मतलब ऐसा क्या है आपके जवाब में जो आज तक आपने हमें नहीं दिया? आई मीन टू से कि हमने हिंदुस्तान का नहीं, हमने हिंदुस्तान का नहीं, हमने कश्मीर का ठेका ले रखा है बेसिकली। नहीं, कश्मीर का ठेका क्यों ले रखा है भाई? वो आप लोग के क्या निकाह में आप लोग को मिला है क्या? मतलब वो आपकी वसीयत में या जायदाद में कहीं पर है? हम आजादी चाहते हैं तुम लोगों की, तुम लोगों को इज्जत ही रास नहीं आ रही, क्या मतलब है? नहीं यार, हमें नहीं, के पैसे से ट्रिप पे जा रहे थे लेकिन ट्रिप पे आप लोगों ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, दुखेगा ना उनको। वो प्रोटोकॉल आप लोगों को देना चाहिए था, हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा और आप लोगों ने बस स्माइल दे के इग्नोर कर दिया। ऐसे ऐसे तो नहीं चल सकता, हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पेक्ट चाहते हैं जो कि आप लोगों ने नहीं की है, तो उसको तो तो दुख शायद होना है। आपको, शायद फिर आप भूल गए होंगे कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने UNO में क्या किया था, है ना? तो एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसको निकाला गया। पहाड़ था पूरा लिथियम का, ऑब्वियसली। अब आपने कहा कि ये खबरें सिर्फ फेंकने के लिए है। कुछ होता है ना कि हमें कंट्री कैसे चलानी है वो हमें तो नहीं पता, हम कश्मीरियों को तो नहीं पता, है ना? कंट्री कैसे चलानी है वो तो उन्हें पता है, जो लोग क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। और अगर वो एक मतलब कह सकते हैं कि नेपोटिज्म वाले को फॉरेन मिनिस्टर बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये उस्माना चाहूंगी, क्रिकेटर वाली बात बहुत गलत थी, जब पाकिस्तानी कहते हैं ना चाय वाला पीएम बना तो बहुत आग लगती है हिंदुस्तान वालों को। अब देखो क्रिकेटर उसको भी पता है ना वो लोग क्यों कैसे संभालते हैं। आप मुझे बोलो, चाय वाला इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, 8 साल हो गए बंदे को हुकूमत करते हुए, अभी भी कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो एज यू आर फ्रॉम कश्मीर, इसी के रिलेवेंट सवाल करूंगी कि बिलावल भुट्टो ने पहले SCO वाला सारा सीन जो हुआ, उसके बाद जो उन्होंने इंडिया में खड़े होकर स्टेटमेंट्स दी, अब उनकी एक और स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अगर G20 की मीटिंग कश्मीर में होगी तो हम हिंदुस्तान को कड़ा जवाब देंगे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इससे पीछे और भी न जाने कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने बोली। मैं इस पे बहुत रिव्यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट अब मैं कुछ डिफरेंट ये जानना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट को लेके कश्मीरी क्या सोचते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो बताएं मेरी ऑडियंस को क्या सोचते हैं कश्मीरी के बारे में। देखो यार, सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, बिलावल भुट्टो वही शख्स है जो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी की तुलना जो है वो आतंकवादी उसामा बिन लादिन के साथ कर रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें एक कड़ा जवाब मिला, उनके मुंह पे तमाचा बजा। उसके बाद वो शांत होकर उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान के बारे में बोलने से उनकी हैसियत क्या है और क्या नहीं है। सेकेंडली मैं बोलूंगी, जो शख्स कभी पाकिस्तान में पला बड़ा नहीं, उसको पता नहीं कि पाकिस्तान है क्या, माँ पॉलिटिशियन है बाप पॉलिटिशियन है, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उसे बना देंगे? यहां से ये चीज प्रूव होती है कि कितना नेपोटिज्म पाकिस्तान में चल रहा है। थर्ड चीज, जब वो गोवा आ रहे थे SCO की मीटिंग के लिए, तो इन्होंने एक ट्विटर पे स्टोरी डाली थी कि या आई एम एक्साइटेड टू गो गोवा, आई एम गोना एंजॉय देयर, मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पर, आई हैव अ फ्रेंडली रिलेशन देयर। तो वो एक्साइटमेंट जो मुझे उनकी दिखी थी, और लिटरली जितने भी ट्वीट्स पे देखा था, उसके बाद तो उनपे काफी ज्यादा मीम्स भी बनी। बट बंदा आया, बंदे ने यहाँ पर अपना हमने जिस तरीके से उनका वेलकम किया, आफ्टर दैट जब यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद जनाब पाकिस्तान गए,
तो वहां पर जाके जनाब की एक और स्टेटमेंट सामने आती है कि अगर G20 मीटिंग कश्मीर में हुई तो हम हिंदुस्तान को कड़ा जवाब देंगे। क्यों भाई, आपने हिंदुस्तान का ठेका लेके रखा है? मतलब ऐसा क्या है आपके जवाब में जो आज तक आपने हमें नहीं दिया? आई मीन टू से माना ना तुमने, के हमने हिंदुस्तान का नहीं, हमने हिंदुस्तान का नहीं, हमने कश्मीर का ठेका ले रखा है बेसिकली। नहीं, कश्मीर का ठेका क्यों ले रखा है भाई? वो आप लोग के क्या निकाह में आप लोग को मिला है क्या? मतलब वो आपकी वसीयत में या जायदाद में कहीं पर है? माना हम आजादी चाहते हैं तुम लोगों की, तुम लोगों को इज्जत ही रास नहीं आ रही, क्या मतलब है? नहीं यार, हमें नहीं, हमें ऐसी आजादी नहीं जीनी है जैसी इस टाइम आजाद कश्मीर में चल रही है। अरे यार, आजाद कश्मीर में लोग आटे चावलों की लाइन में लग के 5 लोगों की डेथ हो गई। आज आजाद कश्मीर में लोग हिंदुस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, तो वैसी आजादी का क्या फायदा? वन मोर थिंग, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे महवेश, यहाँ पर पहले बिलावल जी की बात हो रही है। तो बिलावल जी की बात, ये जो स्टेटमेंट सामने निकल के आ रही है, ही वॉन्ट दैट के उनको वहां पर नवाबों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब हम तो शेख है नहीं भाई, वो आएंगे तो हम उनके लिए दुबई से कुछ लेके आएंगे, या आफ्टर दैट उन्होंने एहसान तो किया नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। क्योंकि अगर 2015 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को SCO का मेंबर बनाया गया था, तब ये उनकी जिम्मेदारियां थी। और इस तरीके से हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है कि SCO की मीटिंग सीधा हिंदुस्तान में की गई, तो उनको आना पड़ा, उनका फर्ज था। जब वो स्टेज पे गए, उनकी आपने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा? मतलब मैं इतना ज्यादा वो हूँ, ये हूँ, मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 12 साल में कोई मिनिस्टर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया, दैट्स हिस्ट्री, खुद में ही एक हिस्ट्री रचती है। उसके बाद नमस्ते हुआ, स्माइल पास हुई, वेलकम हुआ, अब और वो क्या चाहते थे? तो ये पाकिस्तान की खौ है, यानी कि जिस देश में आप जा रहे हो, जिस देश में आपकी मीटिंग हो रही है, आप वहां का खा रहे हो, पी रहे हो, वहां पर इवन ट्विटर पे आप ये भी लिख रहे हो कि मैं गोवा जा रहा हूं। भाई अब नहीं रुकने माना वाला मैं। माना गोवा तो वो पाकिस्तान के अवाम के पैसे से ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन ट्रिप पे आप लोगों ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, दुखेगा ना उनको? वो प्रोटोकॉल आप उनको देना चाहिए था। हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा और आप लोगों ने बस स्माइल देके इग्नोर कर दिया। ऐसे ऐसे तो नहीं चल सकता। हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने नहीं की है, तो उसको तो तो दुख शायद आना। आपको, शायद फिर आप भूल गए होंगे कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने UNO में क्या किया था, है ना? तो एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक बहुत पुराना डायलॉग है जो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, हालांकि पता नहीं कहाँ है। और बिलावल साहब का एक सीन है ना, उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है। भले ही वो पाकिस्तान के पैसे से आए, उनको प्रोटोकॉल, आप मुझे बोलो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आया, उनको कौन सा प्रोटोकॉल मिला? अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, चाइना से आए जनाब, उनको भी कोई वो नहीं मिला प्रोटोकॉल। हमारे यहाँ पर हमारे वेलकम सामने क्या है, काफी ये तो नॉर्मल ठीक है। तरीके से किया जाता है, ठीक है? हमारे यहाँ वेलकम जो है काफी नॉर्मल तरीके से किया जाता है। अब अगर आपके बिलावल साहब नवाबजादे हैं, बाहर मुल्क में पढ़े लिखे हैं, माना कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अपने ससुराल आ रहे हैं तो उन्हें पूजा जाएगा। नहीं, नॉर्मली जैसे सबको ट्रीटमेंट मिला, उनको भी मिला। लेकिन द थिंग इज दैट द वे ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, लाइक इफ G20 की मीटिंग होने जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर भाई तुम में दम है, हर बार तुमने हिंदुस्तान को चेतावनी दी, जंग का ऐलान किया, जंगे की, उसके बाद क्या हुआ? यू गाइस फॉरगेट दैट के हर जंग में आप लोग हारे, चाहे वो कोई सी भी वार हो। आपको शायद 1971 की याद होगी, जिस टाइम 96,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, वो एक आपको बहुत किसने कहा? बड़ा आपको किसने तमाशा कहा जो इन है। सारी जगहों में? आप उरफाना जी, गलत बात। आपको किसने कहा पाकिस्तान हारा था? आप हमारी हिस्ट्री खोल के देखें, हर जंग में पाकिस्तान जीता है। ये तो तो वो बात हिस्ट्री जब आप लोग ही हमने लिखोगे तो वो डजंट मैटर ना, वो हिस्ट्री खुद ही लिखी जाती है और खुद ही पढ़ी जाती है, तो वो हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्ट्री होती है वो जो रियलिटी होती है। जैसे कि आपका पाकिस्तान का मीडिया, भाई कोई चैनल खोलो हिंदुस्तान की बात हो रही होती है, कोई चैनल खोलो हिंदुस्तान की बात होती है। मतलब क्यों, आई मीन व्हाई दे आर मेकिंग देयर TRP इंडिया की वजह से? आप लोग किसी और मुद्दों पे बात करो, आप लोग बात करो कि आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर है। आप देखो कि लोग किस तरीके से भूख से आज मरे जा रहे हैं, आप ये देखो कि गरीबी कितनी है, आप ये देखो कि आटे चावलों के लिए लोग किस तरीके से, अरे आप उस चीज को मुद्दा बना के लोगों को दिखाओ ना। व्हाई आर यू टारगेटिंग ऑलवेज कश्मीर और इंडिया? क्या ठेका ले रखा है आप लोगों ने कश्मीर का या हिंदुस्तान का? क्यों, हम कश्मीरी हैं, हम 1,000 बार ये बात बोल चुके हैं कि वी आर सेफ विद इंडिया। क्योंकि इस वक्त अगर ओके, मैं विशाल टेल यू वन थिंग, इस बार का बजट आपने देखा कश्मीर में कितना आया है?
कश्मीर का बजट इस बार 14.9 बिलियन करके कुछ है, और आप इनका बजट देख लीजिए, आजाद कश्मीर का या अपने पीओके का, मतलब जितना हमारे कश्मीर का बजट आया, दुबई से कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लगने जा रहे हैं, G20 की मीटिंग्स हेल्ड हो रही हैं, कश्मीर का फ्यूचर और कश्मीरियों का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि वाई क्यों क्यों पाकिस्तानी इस चीज को अपने दिमाग में नहीं घुसा रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं है ना, मतलब लड़ तो नहीं रहे हैं ना हम रोड्स पे निकल के, या आज हम हिंदुस्तान के झंडे जो आपके आजाद कश्मीर में रिसेंट के मैंने एक स्टेटमेंट देखी, एक मौला ने आपकी जो पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों कहा, हिना रूपानी जी की स्टेटमेंट निकल के आई कि कश्मीर हमारा, कश्मीर इज नॉट आवर मसला, कश्मीर हमारा मसला नहीं है, या वो मसला उनके पास है। सो ये जो स्टेटमेंट्स आप ही के पाकिस्तान के निकल के आ रही हैं, और महवेश मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ एज अ जर्नलिस्ट मेरा भी हक है, भले ही मैं आपकी गेस्ट हूँ लेकिन अब मैं पूछूंगी आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जब भी बाहर किसी मीटिंग्स के लिए जाते हैं या किसी चीज के लिए भी जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को टारगेट करते हैं और बुराई करते हैं। आपने आज तक अपने करियर में कभी देखा हिंदुस्तान का कोई मिनिस्टर पाकिस्तान को दुश्मन कह रहा हो, पाकिस्तान को दुश्मनी मुल्क कह रहा हो? मीडिया की बात अलग है, हमारा मीडिया भी करेगा, आपका मीडिया भी करेगा, वो लोग तो चलता रहेगा, लेकिन ऑफिशियल्स एंड एथिकल इंसान जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास कोई टाइम कोई पावर हो, वो क्यों पड़ोसी मुल्क को कहेगा? हर प्लेटफॉर्म पे आपके पॉलिटिशियंस टेररिस्ट तो कहते हैं ना पाकिस्तान को, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, ये भी कुछ रोज पहले रिसेंटली जब एससीयू की मीटिंग हुई तो वहां पर भी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ ये बात कही कि इस मीटिंग का मेन मोटो है कि हम टेररिज्म को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, तो वहां पर तो स्पेशली बिलावल जी का नाम तो नहीं लिया हमने, या ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि नहीं बिलावल साहब हम आपको बता दें कि टेररिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, वहां पर सारी कंट्रीज को बोला गया और मीटिंग भी इसी चीज के लिए, टेरर के साथ पाकिस्तान को एफिलिएट किया जाता है हमेशा, चाहे वो इंडिया से हो या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात हो, जहां टेरर आता है वहां हैशटैग इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ पाकिस्तान जरूर आता है। यू गाइस डिजर्व दैट, देखा अब आ गई ना वो वाली बात, जिस हिसाब से आप लोग हरकतें करते हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, देखिए मैं आपको वहां पर भी फिर से, पहले आप मेरी बात मत काटिए, आप सुनिए, जब वहां पर मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये बात कहा गया कि टेररिज्म को हम टोटली स्टॉप करेंगे, तो हमने पर्सनली बिलावल जी को तो नहीं कहा ना, हमने वहां पर जितने फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जितनी भी कंट्रीज से आए थे, हमने सबको कहा, लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर कोई बंदा पर्सनली उसको ले ले, वहां पर गोवा में इंजॉय किया, ठीक ठाक रहे, खुशी से रहे, उसके बाद पाकिस्तान जाके अपनी उसी शक्ल में आ गए जिस शक्ल में वो थे, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पाकिस्तान में नेपोटिज्म इतना क्यों है? आप प्राइम मिनिस्टर जी की हिस्ट्री देखें, आप होम मिनिस्टर जी की हिस्ट्री देखें, आप देखो कि कौन सी हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें नेपोटिज्म है, नहीं है ना? तो उनके वालिद साहब मिनिस्टर थे, उनकी मोहतरमा ये क्या बोलते हैं, उर्दू इतना आता नहीं है, हिंदी थोड़ी ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी मम्मी जी पॉलिटिक्स में थी, तो इसका क्या मतलब है बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे? क्यों जी उनकी अंग्रेजी ठीक है? मतलब क्या यार, मैं विश व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, अभी जैसे आपने बात की कि कश्मीर जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कश्मीर के अंदर मीटिंग हेल्ड कराई जा रही है G20 की, और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इतना बड़ा बजट निकला है। ऐसी ही एक खबर कुछ रोज पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी, हेडलाइट्स में थी कि लिथियम निकला है कश्मीर से, लिथियम निकला है कश्मीर फ्यूचर ब्राइट होगा, और उसके बाद वो बिल्कुल आग की चिंगारी जैसे बुझ सी जाती है, इस तरह उस खबर को दबा दिया गया, और उसके बाद उसके बारे में कोई ना बात हुई ना किसी प्लेटफॉर्म पर जिक्र हुआ। मुझे बताओ क्या ऐसी जो खबरें निकलती हैं कि अब ये हो गया, वो जो है ना फॉर्मेशन हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें क्या सिर्फ इधर उधर के ममालिक को जलाने के लिए निकाली जाती है, क्योंकि उसके बाद तो उनका जिक्र जो है वो खत्म हो जाता है खबरों पर से। अब लिथियम बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, अब आजकल हमारे सामने आया राजस्थान में से लिथियम निकला है। हाँ तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहली बात तो जलाने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे लेवल में खड़े नहीं हो सकते उन लोग को जला के कोई फायदा नहीं है। सो इकोनॉमी कहाँ किसके वो सब पता चलता है। रही बात आपने बात करी लिथियम की, सो आई विल क्लियर वन थिंग, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से यूनियन टेरिटरी अपना जम्मू कश्मीर है एंड देन लद्दाख अलग है। सो यहाँ पर कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में लिथियम निकला गया। एंड वन मोर थिंग, 5.9 बिलियन अराउंड जो है हम बात करें तो उस वे में जो प्रोडक्ट है उसको निकाला गया, पहाड़ था पूरा लिथियम का। ऑब्वियसली अब आपने कहा कि ये खबरें सिर्फ फेंकने के लिए है,
कुछ होता है ना कि हमें कंट्री कैसे चलानी है वो हमें तो नहीं पता, हम कश्मीरियों को तो नहीं पता है ना, कंट्री कैसे चलानी है वो तो उन्हें पता है जो लोग ऑलरेडी अपनी हिंदुस्तान को चला रहे हैं। और सेविंग कुछ चीज होती है, किसी वो कोई इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी चीज को बचा के रखना, और वो कब इस्तेमाल करना है कैसे इस्तेमाल करना है वो तो उन्हीं को पता होगा। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर लिथियम, लिथियम के बाद जो कश्मीर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का जिक्र हुआ होगा, या फिर और भी बहुत सारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो इतने लगाए जा रहे हैं, तो उसका पैसा तो पाकिस्तान वाले हमें देंगे नहीं, उसका पैसा चाइना वाले रशिया वाले तो देंगे नहीं, तो वो यही पैसा होता है कि आप किस तरीके से उस पैसे को, उस लिथियम को आप कन्वर्ट करेंगे। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स बहन मेरी, हर जगह से मिलेगा। आप देखोगे ना ऑलमोस्ट, अगर खोजने पे आए ना आप, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश की आपने जो बोला, हिस्ट्री है ना, अपना सुनिए, उरफान एक मिनट, आपने बोला हर जगह से निकलेगा, हमारे आजाद कश्मीर से तो नहीं निकला। क्या करें, आपका वो सीन नहीं है ना, मतलब ये लोगों के साथ साथ जमीन भी इतनी खोखली हो गई है ना कि आप वो नेचुरल रिसोर्स देना बंद कर रही है। सो आई टेल यू वन थिंग कि खैर, तुम हिंदुस्तान को, कश्मीर के बारे में बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके जयशंकर जी ने कहा अब हमें पीओके भी चाहिए, तो अब आप पीओके के बारे में ये बोलोगे? तो यार आप लोग भी तो कितना कुछ बोलते हो यार, मैंने कभी आप पे सवाल उठाया? छोड़िए, मैं वो बात भी छोड़िए, आप लोग बोलते हो कि हमें वो वाला कश्मीर चाहिए, हिंदुस्तान का कश्मीर चाहिए, यहाँ पर कश्मीरियों को क्या चाहिए वो आप लोग को वो नहीं जानना है आपको, ठीक है? आपके हमें मीडिया पता पे है, जब भी हमें पता है खोलो कश्मीर को कश्मीर क्या पे चाहिए, मसला हमें बना पता है हुआ हमको होता है। आजादी उरफाना, हमें पता है हमको आजादी चाहिए, हम उस आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाके सर पटकते हैं, कश्मीर 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 को सुनता नहीं है यार। हमें पता है कश्मीरियों को आजादी चाहिए, हम उसी आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं, ओके, उसी आजादी के लिए सुनते फ्लावर उन्हीं फोटो लोगों की खरीदना है, था हमने। सुनते उन्हीं लोगों की है जिनके पास दिमाग होता है बात करने का, या जो अपना सर फालतू में ना पटकेंगे, जो अपना सर मीनिंगफुल बातों पे पटकेंगे, या फिर जो अपना सर किसी सेंस वाली चीज को लेकर के पटकेंगे। एंड आप बोल रहे हो कि आप चाहते हो कि कश्मीरियों को आजादी चाहिए, तो आप किसकी बात कर रहे हो? हुर्रियत के कुछ लोगों की, JKLF के कुछ लोगों की, जो रट लगा के बैठे हुए थे यासीन मलिक जी की तरह? क्या आप उन कश्मीरियों से बात करते हो? क्या आपने आज कश्मीर के यूथ को नहीं देखा? ठीक है, अगर आपको इतना ही कश्मीरी हो, आपको लगता है कि वो नहीं है, तो मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखा देती हूँ, वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कश्मीर, तो मैं भी कश्मीरी हूँ। आपने जितने इस टाइम कश्मीर से लोगों को बुलाया है, उनका इंटरव्यू किया है, वो लोग क्या बोलते हैं? आप देखो कि मीडिया क्या बोल रहा है कश्मीर का, लोग किस चीज को खुश हो रहे हैं? जो काम सरकार कश्मीर में नहीं कर रही, वो हमारी इंडियन आर्मी वहां पर कर रही है। बच्चियों के लिए कोचिंग सेंटर्स, सद्भावना के थ्रू बच्चों को बाहर भेजा जाता है। मैं लिटरली फैमिली की बात करूंगी, मेरा खुद का भाई पर्सनली सद्भावना के थ्रू इस टाइम बाहर पढ़ रहा है। सो ये क्या है ना, हमारी फैमिली को खर्चा है, कुछ भी नहीं, आर्मी उसे पढ़ा रही है, क्यों? आर्मी ने हमारा ठेका ले रखा है? नहीं ना, तो ये क्या है, मतलब इतना सब, इतनी मतलब फैसिलिटीज होने के बाद हम क्यों ये बात बोलेंगे कि हमें आजाद करो? और वन मोर थिंग, आजाद किस लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान आजाद आने के हो लिए। भी जाते हैं, अगर हम आजाद हो भी जाते हैं, तो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो इंसान अपने मुल्क को नहीं संभाल सकता, जो पाकिस्तान खुद को नहीं स्टेबल कर पा रहा है, जो पी अपने उन पीओके को नहीं संभाल पा रहा है, जैसे आप लोग आजाद कश्मीर पाकिस्तानों को पर कश्मीर उसको नहीं संभाल पा रहा है, तो वो हमें क्या खाक संभालेगा? हमारा तो खर्चा ही इतना है कि तू नहीं उठा पाएगा। आज पाकिस्तान के हालात बुरे हैं तो सब लोग कुछ भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान के दिन क्या है, वो क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की क्या कर गया, हर बंदा बड़े पर फैलाए फिरता है। लेकिन मुझे बताएं, इन फ्यूचर कहीं पे आपको पाकिस्तान का अगर फ्यूचर ब्राइट दिख जाए, तो क्या तब भी यही अल्फाज होंगे हिंदुस्तान वालों के? हाँ, हमारे यही अल्फाज होंगे। और अगर आपका फ्यूचर कभी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 90, 100, 200 साल में अगर कभी आपका फ्यूचर ब्राइट लगा हम लोगों को, अनफॉर्चुनेटली हम खुदा के आगे नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करके यही बोलेंगे कि बस इनका फ्यूचर अब ऐसा ही होना चाहिए। हम नहीं सुनना चाहते कि रमजान में फिर से आटे चावल के लिए लोग रोड पे निकले और 5 लोगों की जान गई। हम नहीं सुनना चाहते ये बात। हम नहीं सुनना चाहते कि आज मिनिस्टर्स तो अपने घरों में बैठे हैं, उनके बच्चे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ये नहीं सुना चाहते कि बच्चे मतलब रोड पे निकल के भीख मांग रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा सऊदी में कितने भिखारी पकड़े गए पाकिस्तान से? आपने स्टेटमेंट देखी? नहीं देखी होगी तो गो थ्रो, अब देखो। हिंदुस्तान, उरफाना ऐसा नहीं है कि उरफाना मुझे हिंदुस्तान बात के नहीं बता, पकड़े गए, अबे नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के नहीं पकड़े गए, पकड़े गए, लेकिन द थिंग इज दैट कि यार पाकिस्तान के, देखो भाई तुम लोग को मतलब इतना क्या हो गया, मुल्क इतना कैसे नीचे गिर सकता है?
जो अपने लोगों को ही नहीं संभाल रहा, वो ये इंडिया के कश्मीर की बात कर रहा है, उनकी हैसियत भी है हमारे कश्मीर को वहां रखने की? मतलब क्या बात करते हैं यार ये खुद पाकिस्तान के खाना लोग। अभी अभी हमने बिलावल भुट्टो जी भेजे थे इंडिया में खुद को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक, क्या आने वाली मीटिंग्स में भी आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, हमें दोबारा बिलावल भुट्टो जी को भेजना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेटर है वो। हाँ लाइक आई'ल शो यू समथिंग इस वीक लाइक दिस। हाँ मतलब उन्होंने बोला, उन्होंने जिस वे में बोला ठीक है, इट्स परफेक्ट हमारे लिए, इट्स परफेक्ट उनके लिए, या इट्स परफेक्ट। सो उनका जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बोल रहे हो कि हाँ भाई अगर मैं जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया दुबई या कहीं भी, तो मेरा जिस तरीके से वे ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा, मेरी जो जुबान हो जाएगी, अगर थोड़ी सी उसमें अंग्रेजी सही हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद अच्छा रिप्रेजेंट करूंगा अपनी कंट्री को। बट द थिंग इज दैट कि यस उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बट हिंदुस्तान से जाने के बाद उन्होंने क्या बोला वो मैटर करता है। हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान की धरती पे उन्होंने ठीक ठाक बोला। मैं आपकी बता दूं कि नेक्स्ट मीटिंग जून में होने वाली है, एससीओ की मीटिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, एंड वो भी हिंदुस्तान में ही होने वाली है। सो आई एम एक्साइटेड। मैं तो चाहती हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक बार हमारे यहाँ आए, हाथ लाएं वो अपना फ्रेंडशिप का, हम लोग भी यहाँ से हाथ लेके जाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी लाइक जो पाकिस्तान के लोग बनाते हैं, जो हिंदुस्तान का मीडिया बनाता है। मैं उस चीज में बात नहीं करूंगी। मैं एक कश्मीरी पत्रकार हूँ, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मैं एक कश्मीर की सिटीजन हूँ, मुझे पता है कश्मीर में क्या चल रहा है, और मुझे पता है कि जर्नलिज्म क्या होता है। सो मैं चाहती हूँ कि जब भी आए कश्मीर के मसले को साइड रख के अपने हाथ बढ़ाएं, दोनों में अच्छे तरीके से बातचीत हो और आगे के फ्यूचर के बारे में सोचे, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा अगर वो हिंदुस्तान के साथ होंगे। लेकिन अगर वो अकेले ही यहाँ पर रह के, वो आंटियों का सीन देखा है, जब मोहल्ले से कोई लड़की निकलती है ना, तो आंटियां वो झांक के देखती हैं कि भाई क्या पहना है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके साथ जा रही है। वो काम पाकिस्तानी ना करे, हिंदुस्तान में कौन आया, कैसे आया, किसके उरफाना, साथ आया, क्या किया। उरफाना आपने बोला कि अपकमिंग मीटिंग में पीएम्स को बुलाया गया है, मुझे बताएं पाकिस्तान का तो पीएम ही जो है लड़खड़ाते फिर रहे हैं, कभी कोई कह रहा है बिलावल बनेगा इस वजह से वो कश्मीर का मुद्दा लेके इंडिया पहुंचे, अवाम कह रही है कि इमरान खान बनेंगे, मगर हमारे जो करंट पॉलिटिशियंस हैं वो बजद हैं कि हम ही रहेंगे। तो मुझे बताएं कहाँ देख रही हैं आप हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, कि कौन बनेगा अपकमिंग पीएम? यार सबसे पहले ये जो आपने खुद ही बोल दिया, मतलब आप सवाल भी पूछती हैं, आप जवाब भी दे देती हैं खुद ब खुद ही, तो आपने ये बात खुद ही बोल दी कि आप लोगों के अंदर वो है ही नहीं रिलेशनशिप ना। मतलब आप लोग खुद के अंदर नहीं पता है कि हमें करना क्या है, आप लोग अभी खुद नहीं सोच रहे कि हमें कंट्री के डिसीजन कहां तक लेना है, तो हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले। बट द थिंग इज दैट कि मैं अपने जर्नलिज्म के, बिलावल भुट्टो जी, क्योंकि इलेक्शन तो कश्मीर की बेस पे पक्के होते ही होते हैं, ये एक फैक्चुअल सी चीज है, हमेशा से सबको नजर आता है। तो बिलावल भुट्टो जी जाके कश्मीर कश्मीर इतने टाइम से इस लालच में कर रहे हैं कि शायद मैं बनूंगा। करंटली जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लोग हैं उनकी नजर में यही है कि यार हमने इतना अरसा गुजारा है, हमने जो है ना नस्ल दर नस्ल हुकूमत की है, तो हम तो पाकिस्तान हाथ से जाने नहीं देंगे। इमरान खान जी अपनी रैलियां और पता नहीं धरने शरने लेके बैठे हुए हैं, अवाम को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने का पर्पज ये था कि एक बंदा जो आउटसाइडर होता है ना, वो एक अलग नजर से देख रहा होता है कि अच्छा यहाँ ये चल रहा है इस घर में, तो अब देखते हैं सरबरा कौन बनता है। तो क्या वीएन है आप लोगों का जो साइड पे बैठ के मैं भी देख रहे आई हो टेल यू कश्मीर वन को? थिंग, वो पाकिस्तान है। अगर वो एक क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, और अगर वो एक मतलब कह सकते हैं कि नेपोटिज्म वाले को फॉरेन मिनिस्टर बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये उरफाना क्रिकेटर चाहूंगी, क्रिकेटर वाली बात बहुत गलत थी, जब पाकिस्तानी कहते हैं ना चाय वाला पीएम बना तो बहुत आग लगती है हिंदुस्तान वालों को। अब देखो क्रिकेटर उसको को पता है ना क्यों वो लोग बनाया। कैसे संभालते हैं। आप मुझे बोलो चाय वाला इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, 8 साल हो गए बंदे को हुकूमत करते हुए, अभी भी उसकी सरकार से सब खुश है। बेचारे क्रिकेटर को बना दिया, उसको पता नहीं देश कैसे संभालना है, तो वो क्या मुझे बताओ संभालेगा देश को। 2.5 साल उरफाना 2.5 साल उसने हुकूमत की है, 2.5 साल के अंदर 2 साल तो कोविड रह गया, कोविड के अंदर पाकिस्तान के वो बुरे हालात नहीं थे जो अब बुरे हैं। मुझे बताओ उसने रखा ना किस्मत स्टेबल, देखो ना, किस्मत देखो यार। इंडिया को भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया तब।
उस पॉलिटिशियन को कैसे बुरा कह सकते हो? तो मतलब मैं